गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गौरहा और आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज है मंगलवार। कल हमने डील किया था नेशनल और इंटरनेशनल वो करंट अफेयर्स जो हमें डील करने थे जून के पहले हफ्ते में। कुछ कारणवश हमने वो नहीं डील कर पाया था, इसलिए हमने कल वो डील किया। आज उस पर बेस्ड हम आपके लिए MCQs लेके आए हैं। कल यानी कि वेडनेसडे को हम वापस से अपने रूटीन में वापस से आ जाएंगे, यानी कि कल हम पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। थर्सडे को उन पर बेस्ड MCQs, फ्राइडे को फिर से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और फिर सैटरडे को उन पे क्या, बेस्ड MCQs। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करने वाले हैं। आप सभी पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और हम पूरे वीडियो के एंड में आपको सभी का या तो आंसर बताएंगे या फिर कल के वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा क्या चेंज करने वाले हैं, हम लोग अपना MCQ जो सेशन है उसका फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 और स्टेज 2 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाल ही में हमारे विश्व तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा चल रही है जो चार अलग अलग स्टेजेस में चल रही है, चार चरणों में होने वाली है। उसके स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो कॉम्पिटिशन है वो पूरा हो चुका है। आपको बताना ये है, स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उनमें भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में कौन सी मेंबर नहीं रही हैं, कौन सी टीम की प्लेयर नहीं रही हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा सिंह, ऑप्शन नंबर बी परनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी अदिति स्वामी या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्योति सुरेखा। इनमें से कौन वो है जो इस टीम का सदस्य नहीं है, इस टीम की सदस्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। प्रतिभा सिंह, परनीत कौर, अदिति स्वामी या फिर ज्योति सुरेखा। ये है आप लोगों का प्रश्न नंबर एक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दो पर। पिछले वीडियोस में हमने हमेशा क्या किया है, आप लोगों को आंसर साथ साथ हम बताते चले हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे पूरे वीडियो के अंत में या तो आपको एक PDF प्रोवाइड कर दी जाए या फिर अगले वीडियो के शुरुआती 10 मिनट में हम इसके आंसर्स को डील करेंगे, तो आप लोगों के पास में एक एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप विथ देयर लोकेशन दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट। और ये बात हो रही है किसकी, 2024 में होने वाले जो आर्चरी के कंपटीशन है उसकी बात की जा रही है। ये वर्ल्ड आर्चरी कंपटीशन 2024 वर्ल्ड कप है ये, है ना। तो एक तरफ आपका स्टेज लिखे हुए हैं, स्टेजेस, और दूसरे तरफ उनके लोकेशंस लिखे हुए हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 जिसमें से 1 और 2 में हमारी महिला जो कंपाउंड टीम है उसने क्या किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी तरफ उनका लोकेशन है शंघाई चाइना, योचेन साउथ कोरिया, अंताल्या टर्की और त्लास्क्ला मेक्सिको। आपको ये क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है और ऑप्शंस आपके पास में कैसे हो जाएंगे, ये आपके पास में है ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप लोग यहां पर लिख लेंगे, ये छूट गया है, ए बी सी और ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये जो आपका मैच द फॉलोइंग है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं, तीरंदाजी की दुनिया के निम्न लिखित चरणों का उनके आयोजित होने वाले स्थानों के साथ मिलान कीजिए। तीरंदाजी विश्व कप है ये, विश्व कप 2024 में होने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उसका उनके स्थान से मिलान करना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, शंघाई,
येशियोन, अंताल्या और तलाक्सकला। ठीक है, अब यहां पर से आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शन अ ब स द, ए बी सी डी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा, विच अमंग्स द फॉलोइंग टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईसीसी वर्ल्ड कप। मतलब आईसीसी द्वारा जो विश्व कप 2024 है, T20 का, T20 विश्व कप, उसमें कौन सी टीमें पहली बार भाग ले रही हैं, ये सवाल इसमें पूछा गया है, जो हाल ही में 1 जून से शुरू हुआ है आपका, क्या आईसीसी वर्ल्ड कप T20 है ना, उसमें कुछ ऐसी टीम्स हैं जो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये टीम कौन कौन सी है ये आपको बताना है। अमेरिका, कनाडा, युगांडा, पाकिस्तान, चार आपके पास में विकल्प हैं, और ऑप्शंस आपके पास में है केवल एक यानी कि अमेरिका, केवल एक और दो यानी कि अमेरिका और कनाडा, केवल एक दो और तीन यानी कि अमेरिका, कनाडा और युगांडा, और एक दो तीन और चार यानी कि चारों की चारों टीम्स ने क्या किया है, पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले टीम्स का आपको क्या करना है, इसमें विकल्पों से चुनना है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आगे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी टोटल मैचेस ऑफ T20, टोटल मैचेस ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024 आर टू बी होस्टेड बाय अमेरिका। मतलब जो हाल ही में आपका T20 विश्व कप है आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसकी कुल मैचेस में से अमेरिका में कितनी मैचेस होने वाली हैं, ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है ना। तो क्या ये 55 मैचेस होंगे, 16 मैचेस होंगे, 39 या कि 39 या फिर 40 मैचेस होंगे, कितने मैचेस हैं जो अमेरिका में होने वाले हैं, कितने खेल होने वाले हैं अमेरिका में, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ए 55, बी 16, सी 39 और डी 40। सबका आप लोग आंसर देते चलेंगे, वीडियो के अंत में आप लोगों को सभी का आंसर बता दिया जाएगा। विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्री या फिर कंट्रीज इज आर टू होस्ट T20 वर्ल्ड कप 2024। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि अमेरिका, नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, यानी कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं या फिर कौन सा ऐसा देश है जो तो T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा, आंसर देते चलेंगे, आखिरी में इसका फाइनल आंसर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा कौन सा, हाउ मेनी फुल मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर कंट्रीज टीम आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। मतलब कितने पूर्ण सदस्य और कितने एसोसिएट सदस्य देशों की टीम हाल ही में होने वाली आईसीसी T20 का क्या कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कल ही हमने ये सारी चीजों को देखा है ना। दो प्रकार की टीमें हैं आईसीसी में, एक है फुल मेंबर या फिर पूर्ण सदस्य टीमें और एक है आपके पास में कौन, एसोसिएट टीमें है ना। तो इनके कितने कितने सदस्य आपके क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपका सवाल है। और ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः 9 और 1, मतलब 9 पूर्ण मेंबर, पूर्ण सदस्य और 11 एसोसिएट सदस्य देश, क्रमशः 11 और 9 यानी कि 11 पूर्ण सदस्य और 9 एसोसिएट सदस्य, क्रमशः 11 और 11 मतलब दोनों ही 11, पूर्ण सदस्य देश भी 11 और एसोसिएट सदस्य देश भी 11, या फिर क्रमशः 9 और 9, मतलब 9 एसोसिएट और 9 पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का मरुस्थलीय
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को इसका जवाब देना है। क्या ये आपका जैसलमेर में है, ये आपका जयपुर में है क्या राजस्थान ए, या फिर ये बीकानेर में है राजस्थान, या फिर ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में है जो कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, या फिर ये जैसलमेर में है राजस्थान में। तो ऑप्शन ए बी सी या डी, कहाँ पर है आप लोगों का मरुस्थलीय आपका राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क, इसका आप लोग जवाब देंगे। ए जयपुर, बी बीकानेर, सी पूंछ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर डी जैसलमेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन सी है, राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कालिज तीतर, बी गुड़ावन, सी सारस क्रेन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कालिज पेजेंट, दूसरा है आपका गुड़ावन, तीसरा है सारस क्रेन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी, माफ कीजिएगा, राजकीय पक्षी कौन सा है, कालिज तीतर, गुड़ावन, सारस क्रेन, या कोई भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जो कि फ्लोरिडा में आयोजित की गई थी, फ्लोरिडा में आयोजित की गई थी, वहां से ये जीत करके इन्होंने 2024 का संस्करण जीत लिया है, इनमें से कौन है वो, क्या ये बृहत सोम है, क्या ये राधिका मर्चेंट है, क्या ये पूर्णिमा श्रेष्ठ है, या फिर आरती यादव है। बृहत सोम, राधिका मर्चेंट, पूर्णिमा श्रेष्ठ, या फिर आरती यादव, इनमें से कौन है वो जिन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन 2024 का संस्करण इन्होंने जीता है, कहां पर आयोजित कराया गया, ये फ्लोरिडा में, और ये इनका राष्ट्रीय क्या है, एक प्रतिस्पर्धा है। आगे चलते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व, विश्व भूख दिवस हर साल प्रतिवर्ष किस तिथि को या किस दिन को मनाई जाती है, 27 मई, 29 मई, 28 मई, या फिर 30 मई। विश्व भूख दिवस कब मनाई जाती है हर साल, 27 मई, 29 मई, 28 मई, या फिर 30 मई। व्हाट वाज द, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 10th क्वेश्चन, ये देख लेते हैं अगला। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस 2024 का थीम क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024, थ्राइविंग मदर्स एंड थ्राइविंग वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए समृद्ध माँ समृद्ध दुनिया, ऑप्शन नंबर बी थ्राइविंग नेचर थ्राइविंग मदर्स, समृद्ध प्रकृति समृद्ध माताएं, ऑप्शन नंबर सी टोवर्ड्स जीरो हंगर, भुखमरी को शून्य करने की ओर, या फिर ऑप्शन नंबर डी टोवर्ड्स अ न्यूट्रिशियस वर्ल्ड, एक पौष्टिक विश्व की ओर। इनमें से कौन सा थीम था आपका विश्व भूख दिवस 2024 का, और इससे जस्ट पहले आपको बताना है कि विश्व भूख दिवस किस दिन हर साल मनाई जाती है। इन दोनों का ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही एक क्या रहेगा, महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये दोनों के दोनों। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो आपका सवाल है ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 बार भी कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये है सवाल आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड इंजन, मतलब 3D प्रिंटेड इंजन वाला भारत का, या फिर बोला जाए विश्व का पहला रॉकेट कौन सा है, चाहे भारत बोले चाहे विश्व बोले, ये हमारे लिए बहुत गौरव का बात है। तो 3D प्रिंटेड इंजन वाला भारत का पहला जो रॉकेट है उसका नाम क्या है, वायुपुत्र शॉर्टेड, वायुपुत्र शॉर्टेड, अग्निपुत्र शॉर्टेड, अग्निपुत्र शॉर्टेड, वायु बाण, या फिर वायु बाण शॉर्टेड, या फिर अग्नि बाण शॉर्टेड, वायुपुत्र शॉर्टेड, अग्निपुत्र शॉर्टेड, वायु बाण शॉर्टेड, या फिर डी ऑप्शन अग्नि बाण शॉर्टेड। यह है आप लोगों का 12वें क्रम का सवाल। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च श्रीहरिकोटा में हुआ, भारत का पहला निजी रॉकेट का लॉन्च श्रीहरिकोटा से हुआ, अग्नि बाण शॉर्टेड
किस स्पेस टेक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है ना। तो भारत का पहला जो निजी रॉकेट लॉन्च है वो कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा में एक प्राइवेट लॉन्च पैड से किया गया, प्राइवेट लॉन्च पैड से। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो रॉकेट है जिसका नाम था अग्नि बाण सॉर्टेड, ये कौन सी स्पेस टेक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? कौन सी स्पेस टेक कंपनी द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अग्निपुत्र प्राइवेट लिमिटेड, वायुपुत्र प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अग्निकुल कॉस्मॉस, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायुकुल कॉस्मॉस, है ना। तो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च, द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च ऑफ इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अग्निबाण शॉर्टेड इज प्रिपेयर्ड बाय विच स्पेस टेक कंपनी? अग्निपुत्र प्राइवेट लिमिटेड, वायुपुत्र प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकुल कॉस्मॉस या फिर वायुकुल कॉस्मॉस, सभी आप लोग इसका जवाब देंगे। फिर चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन? विश्व श्रम संगठन के अनुसार 2024 में विश्व बेरोजगारी दर क्या रही है ना। तो ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसने पहले विश्व में पहले क्या बताया था, आपका विश्व का जो बेरोजगारी दर होगा वो 5.0% होगा, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है ना। हाल ही में जो डेटा आया है उसके हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं, और बदलाव करने के बाद में ये कितना हो गया है ये बताना है। और इसमें जो बदलाव हुआ है उसका कारण है चाइना और भारत, चाइना इंडिया, और साथ में कुछ उच्च आय वाले देश जो हैं, उच्च आय वाले आपके राष्ट्र, इन दोनों इन सभी ने क्या किया है, अपने अपने राष्ट्रों में बेरोजगारी की दर को कम बताया है, जिसके कारण ये 5.0 से इसे घटाया गया है। और कितना हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 2.9, बी 3.9, सी 4.9 या फिर 5.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which amongst the following were merged to form National Statistical Office in 2019, मार्च 2019? तो हमको मालूम है 2019 में NSO का गठन किया गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का क्या किया गया था, गठन किया गया था मार्च 2019 में। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय बनने के लिए निम्न में से किसका विलय किया गया था? ए राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम या फिर बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी। ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इनमें से किनका किनका विलय करके क्या किया गया है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का क्या किया गया है, गठन किया गया है, ये आप लोग को बताना है। और ऑप्शंस आपके पास में हो जाएंगे केवल एक, एक और दो, एक दो तीन, और केवल एक दो तीन चार। यहां से भी देख लेते हैं, केवल एक यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान या फिर कार्यालय, एक और दो यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, इसके बाद में आपका एक दो और तीन मतलब इन दोनों के साथ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी, और एक दो तीन चार यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन देते हैं। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो आपका एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में दो विंग्स आते हैं। अगर हम इसको देखें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मतलब सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसके अंदर में दो इसके भाग आते हैं। एक आता है आपका क्या, सांख्यिकीय का, स्टैटिस्टिक्स का, और दूसरा आता है कार्यक्रम कार्यान्वयन का, कार्यक्रम कार्यान्वयन।
है ना, यानी कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपका जो मंत्रालय है, ये पूरा का पूरा मंत्रालय पहले एक नहीं हुआ करता था। पहले ये आपका स्टैटिस्टिक्स का मिनिस्ट्री अलग हुआ करता था और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मिनिस्ट्री अलग हुआ करता था, यानी कि जो सांख्यिकीय मंत्रालय है वो अलग हुआ करता था और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ये दोनों अलग हुए करते थे। अब इन आपसे सवाल ये पूछा है कि इन दोनों को मिला करके एक मिनिस्ट्री कब बनाई गई है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकीय मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी सन 2002। जवाब देंगे आप लोग इसका, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला सवाल हमारा 17वां सवाल ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड के बीच में क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन के बीच में क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए माइनस मूल्य ह्रास, मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है आपका वेयर एंड टेयर लॉसेस, मतलब आपने कोई गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए में, साल भर के बाद में उस गाड़ी का वैल्यू हो जाता है कितना, 70,000 रुपए। तो वो जो उसका वैल्यू गिरा है 30,000 रुपए के आसपास, उसी को हम बोलेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, मतलब उसमें वेयर एंड टेयर लॉसेस हो गए हैं, मूल्य ह्रास हो गए हैं। तो क्या जीडीपी जीवीए में से मूल्य ह्रास माइनस करने से मिलेगा, या फिर जो जीवीए है यानी कि सकल मूल्य वर्धन है ये जीडीपी में से मूल्य ह्रास माइनस करने से मिलेगा, या फिर जीडीपी जो है आपका ये आपका जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है, या फिर जो जीवीए है या जीडीपी प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है, कल इसको हमने बहुत अच्छे से हमारे वीडियो में डील किया है और इन सभी के बीच में संबंध देखा है। तो आप लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, कौन सा वो रिलेशन है जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और जीवीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन के बीच में हमको क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है या फिर संबंध हम लोगों को दिखाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अगला सवाल उसी से ही संबंधित हमारे पास में आ जाएगा, वास्तविक जीडीपी क्या है, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। अब जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस यानी कि बाजार मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास घटाने के बाद गणना की गई जीडीपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग नेट फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से आय के शुद्ध प्रवाह को समायोजित करने के बाद गणना की गई जीडीपी। तो जो वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी, ये कौन सी है आप लोगों को बताना है, कल इसको भी हमने अपने वीडियो में डील किया है। हालांकि ये सब आपका स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ
डेटा आए हैं एनएसओ द्वारा जारी किए हुए, इसलिए हम लोगों ने इसे एक बेसिक बहुत ही ऊपर ऊपर फ्लोर सुपर फ्लोवर्स तरीके से देखा है ना। डेप्थ में तो सारा हमारी क्लासेस में डील होता ही है। तो ऑप्शन ए बी सी या फिर डी क्या है वास्तविक जीडीपी, ये आप लोग बताएंगे। अगला सवाल उसी से फिर से संबंधित है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी इज, ए ऑप्शन 2001-02, बी 2011-12, सी 2017-18 या फिर डी 2021-22। तो जब आप अपना इस सवाल का यानी कि 18वें सवाल का जवाब देंगे तो उसी से ही संबंधित आपका सवाल नंबर 19 भी हो जाएगा, और इसका भी जवाब आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर ए 2001-02, बी 11-12, सी 17-18 या फिर डी 21 और 22। इसके बाद में हम आ जाते हैं, व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एनएसओ इन द ईयर 2023-24, यानी कि वर्ष 2023-24 में एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है, यानी कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर क्या रही है, ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 7.2, ऑप्शन नंबर है आपका 8.2, ऑप्शन नंबर है आपका 9.2 और ऑप्शन नंबर है आपका डी 10.2। यानी कि हमारे पास दो आंकड़े हैं, एक है हमारा वृद्धि दर की, वृद्धि दर या फिर परसेंटेज इंक्रीज, और दूसरा हमारे पास में है उसका आपका आकार या फिर साइज। है ना, ये दोनों ही आंकड़े हमारे पास में है। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या क्या आंकड़े हैं रियल जीडीपी के और नॉमिनल जीडीपी के, मतलब वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के भी डेटा है, और साथ में हमारे पास जीवीए के भी डेटा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर सकल मूल्य वर्धन का। वर्तमान में आपसे ये पूछा जा रहा है 2023-24 में एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक जीडीपी है उसका वृद्धि दर क्या है, है ना। वृद्धि दर मतलब प्रतिशत पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है रियल का। आप बताएंगे 7.2 है, 8.2 है, 9.2 है या फिर 10.2 होगा। अगला जो हमारे पास सवाल है ये आप लोगों से साइज के बारे में पूछा जा रहा है, आकार। एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार सन 2024 में, मतलब 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष रहा है उसमें क्या होगा या फिर क्या रहा है, 173.82 लाख करोड़, 295.36 लाख करोड़, 373.36 लाख करोड़ या 101.82 लाख करोड़, 173.82 लाख करोड़, 295.36 लाख करोड़, 373.36 लाख करोड़ या फिर 101.82 लाख करोड़। ये आपके वास्तविक जो जीडीपी है उसका आकार आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनएसओ द्वारा बताया गया है। और यहाँ पर हमारे आज के सवाल खत्म होते हैं, यानी कि कल जो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उस पर बेस्ड हमारे क्या है ये एमसीक्यूज हैं। हम पिछले वीडियोस तक आपको जो इनके आंसर्स थे वो साथ में बताते चल रहे थे, इस बार आप लोगों को वीडियोस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। इसका जो जवाब होगा कल के सेशन के शुरुआती 10 मिनट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सवालों के जवाब देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 21 तक का हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शंस बताएंगे ए बी सी डी कौन से आपके आंसर्स होने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कल का हमारा वीडियो शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो के क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो इस वीडियो को डील नहीं कर पा रहे हैं वो कल के वीडियोस को देखने के बाद इसको डील करेंगे। हमारे साथ करंट अफेयर्स में बने रहेंगे, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।